हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज हम नवरात्रि के ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। अभी नवरात्रि आने वाले हैं तो उसकी तैयारी में सब लोग जुटे होंगे। तो आज मैं माता रानी की चुन्नी बनाऊंगी यहाँ पर। तो मेरे पास एक ब्लाउज़ का पीस रखा हुआ था और बहुत ही अच्छा कलर था, तो इसी कलर में ये कपड़ा है। तो और वैसे माता रानी के लिए लाल वाली चुन्नी तो लेकर के ही आऊँगी। इसको मैंने एक जो चुनरी आती है उसी के आकार से मैंने काट करके रख लिया है। सब जितने भी हैं सबको बराबर से काट करके रख लिया है। और अब इसकी सिलाई करूँगी ये लेस लगा करके। इसमें ये मैं गोल्डन कलर का लेस लगाने वाली हूँ। और अगर आप लोग के पास भी ऐसे ही ब्लाउज़ के पीसेस रखे हैं जो कि आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पीस है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लाउज़ का ही पीस हो, तो अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा सा मंदिर का डिफरेंट लुक आता है। रेड कलर की चुन्नी भी ले लेंगे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे इसका भी बना रही हूँ तो मंदिर का पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी भगवान जी हैं सबके नाप से, जितनी बड़ी बड़ी चुन्नी है उतने नाप से काट लिया है और काट करके मैंने रख लिया है। और ये लेस जो है मैं लेकर के आई थी कि 5 मीटर है पूरा। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह की लेस थी लेकिन वो अभी नहीं है। ये भी लगाती तो बहुत अच्छी लगती इसमें, लेकिन ये है नहीं और मैं बाहर से ला नहीं सकती। जो मेरे पास है मैं उसी से ही खूब अच्छे से इसको डेकोरेट करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। सिलाई करूँगी ये लेस लगा करके। इसमें ये मैं गोल्डन कलर का लेस लगाने वाली हूँ। और अगर आप लोग के पास भी ऐसे ही ब्लाउज़ के पीसेस रखे हैं जो कि आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पीस है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लाउज़ का ही पीस हो, तो अगर आप उसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा सा मंदिर का डिफरेंट लुक आता है। रेड कलर की चुन्नी भी ले लेंगे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे इसका भी बना रही हूँ तो मंदिर का पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पे मैंने जितने भी भगवान जी हैं सबके नाप से, जितनी बड़ी बड़ी चुन्नी है उतने नाप से काट लिया है और काट करके मैंने रख लिया है। और ये लेस जो है मैं लेकर के आई थी कि 5 मीटर है पूरा। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह की लेस थी लेकिन वो अभी नहीं है। ये भी लगाती तो बहुत अच्छी लगती इसमें, लेकिन ये है नहीं और मैं बाहर से ला नहीं सकती। जो मेरे पास है मैं उसी से ही खूब अच्छे से इसको डेकोरेट करूँगी और अच्छे से बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। Thank you.
सो गाइस, इस तरीके से मैंने इसको सिल दिया है। मैंने इसे एक ही साइड में सिला है क्योंकि जब हम चुन्नी को लगाएंगे तो ये इतना पार्ट ये अंदर की साइड हो जाएगा और फिर ये ऐसे मैं लगा करके आपको मंदिर में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी। तो जब ये इस तरीके से मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी और फिर वापस से इसको ऐसे कर दूंगी, तो ये जो है केवल यही इतना पार्ट दिखेगा चुन्नी का और ऊपर का साइड का दिखेगा, तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसी तरीके से सारे बना लेती हूँ। तो इस तरीके से हमने जितनी भी चुन्नियाँ थी उसको अच्छी तरीके से सिलाई कर लिया है फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसे है तो आप बना सकते हो आसानी से। बहुत लोग नहीं ले सकते हैं, बहुत लोग मार्केट जाने से बचना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से घर में आप बना सकते हो फ्रेंड्स। और मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था तो मैंने उसको भी आसन के रूप में इस तरीके से बना दिया है, तो मैं इसको लड्डू गोपाल के लिए आसन बना लूँगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने ये तीनों साइड लगा दिया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और माता रानी के लिए ऐसी चुन्नियाँ ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। बाय बाय, जय माता।